अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास को अगला हमारा एग्जाम शुरू करते हैं। दे वर लिसनिंग अटेंटिवली, सेकंड पैराग्राफ था दे वर लिसनिंग अटेंटिवली टू देयर टीचर, वो अपने उस्ताद को तवज्जो से सुन रहे थे। द टीचर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द टीचर स्टार्टेड टॉकिंग, टीचर ने बोलना शुरू किया, टीचर स्टार्टेड टीचर ने शुरू किया टॉकिंग बोलना, द डेवेस्टेटिंग अर्थक्वेक ऑफ 2005 इन कश्मीर, कश्मीर के 2005 के तबाहकुन जलजले के बारे में। उस्ताद ने कश्मीर के 2005 के तबाहकुन जलजले के बारे में बोलना शुरू किया। इट अकर्ड, ये आया, द टीचर टोल्ड देम, उस्ताद ने उन्हें बताया एट 8:50 इन द मासूमों के 8:50 पे इन अक्टूबर 2005 को, ये अक्टूबर 2005 को सुबह 8:50 पर आया, उस्ताद ने बताया। इट वाज सेंटर्ड नियर द सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद, इसका मरकज मुजफ्फराबाद शहर के करीब था। एंड इट आल्सो इफेक्टेड खैबर पख्तूनख्वा, और इसने खैबर पख्तूनख्वा पर भी असर किया, को भी मुतासर किया, और इसने खैबर पख्तूनख्वा पे असर किया या मुतासर को भी मुतासर किया कि असर किया। इट्स मैग्नीट्यूड वाज, इसकी शिद्दत 7.6 थी एट द रिक्टर स्केल, इसको रिक्टर स्केल नहीं पढ़ना, इसकी रिक्टर स्केल पे शिद्दत 7.6 थी। अप्रॉक्सीमेटली 87,350 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन दैट अर्थक्वेक, इस जल्जले में तकरीबन 87,350 लोगों ने अपनी जिंदगियां गवा दी, अपनी जानें गवा दी, लाइफ जाने अपनी जाने गवा, इस जल्जले में तकरीबन 87,350 लोगों ने अपनी जाने गवा दी, लॉस्ट देयर लाइफ, अपनी जाने गवा दी। देन द टीचर गेव देम इंफॉर्मेशन, तब उस्ताद ने उन्हें मालूमात दी, गिव देना गेव दी अबाउट अर्थक्वेक इन सुमात्रा इंडोनेशिया इन 2004 में, इंडोनेशिया सुमात्रा में 2004 में आने वाले जल्जले के बारे में। तब उस्ताद ने उन्हें इंडोनेशिया सुमात्रा में 2004 में आने वाले जल्जले के बारे में मालूमात दी। इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक इन द नोन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की मालूम तारीख में कि जिसके बारे में बताइए, नोन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की मालूम तारीख में तीसरा सबसे बड़ा जल्जला था, ये दुनिया की मालूम तारीख में तीसरा सबसे बड़ा जल्जला था। उसने या उन्होंने उस्ताद के बारे में इसलिए उन्होंने बताया, देयर वर डेड बॉडीज एंड इंजर्ड एवरीवेयर, हर तरफ मुर्दा लाशें और जख्मी थे, देयर वर डेड बॉडीज एंड इंजर्ड एवरीवेयर, हर तरफ मुर्दा लाशें और जख्मी थे, पीपल वर सर्चिंग फॉर देयर लव्ड वंस, लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे, देयर वाज नोइज ऑफ क्राइज, वहां चीखों का शोर था, क्रॉप्स वर डैमेज, फसलें तबाह हो गई, बिल्डिंग्स वर डिमोलिश, इमारतें गिर गई, जब कहते थे घर नया बना डिमोलिश करके कि पिछले को गिरा के, बिल्डिंग्स वर डिमोलिश, इमारतें गिर गई, एंड इंडस्ट्रीज वैनिश्ड अवे, और संते गायब हो गए, वैनिश्ड अवे मतलब गायब हो जाना, और संते गायब हो गई, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस नेचुरल क्लाइमेटी, इस कुदरती आफत की वजह से, इस कुदरती आफत के नतीजे में क्या हुआ जी, फसलें तबाह हो गई, इमारतें गिर गई, और इंडस्ट्री और संते गायब हो गई। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट सम 2,27,898 पीपल डाइड इन दैट अर्थ, कि इस जल्जले में तकरीबन 2,27,898 लोग मारे गए। यह अंदाजा लगाया गया कि इस जल्जले में 2,27,898 लोग मारे गए या मरे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।